हेलो एवरीवन, और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम बात करते हैं कि इनसाइट की मैगज़ीन आ गई, इन्वायरमेंट की भी। तो उसमें टॉपिक्स इन्होंने काफ़ी कवर भी किए हुए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट्स हो गए, एंड नेशनल स्पीसीज जो डिस्कवर की गई हैं ऑन द वेरियस पार्ट और टेरेटरी ऑफ द इंडिया, एंड दैट्स द टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ लाइक नमामि गंगे प्रोग्राम। तो आपको पता है ये फ्लेक्सी स्कीम रही हुई है, और नमामि गंगे प्रोग्राम का मतलब होता है कि गंगा को है क्लीन करना है, शुद्ध करना है, और जितना भी कुछ पॉल्यूशन है ट्रीट करके, इंडस्ट्री से वेस्टेज आ रहा है, म्यूनसिपलिटी वेस्टेज आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, जो फ्लो रेगुलर नहीं बन पा रहा है, उन सबको कंट्रोल करना है। तो डिस्कस करें, इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम विच इंटीग्रेट प्रीवियस एंड करंटली ऑन गोइंग इनिशिएटिव्स, राइट। एंड इट इज़ इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, एंड द स्टेट काउंटर पार्ट स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स, राइट। नेशनल लेवल पे तो मिशन रहेगा, और स्टेट लेवल पे मैनेजमेंट ग्रुप्स रहेंगे। एंड इट हैव नेशनल गंगा काउंसिल। तो इट इज़ क्रिएटेड इन 2016 अंडर द रिवर गंगा रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर 2016, एंड डिजोल्विंग द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी थी, उसको डिजोल्व करके इन्होंने बनाया नेशनल गंगा काउंसिल, राइट, एंड हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। एंड आपको पता है बनारस के हैं, तो नमामि गंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा होता है। एंड NGC वुड हैव द बोर्ड ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ 5 बेसिन स्टेट्स, लाइक। तो इसमें क्या होगा, जो जहाँ जहाँ से आ रही है, उत्तराखंड से आ रही है सबसे पहले, उसके बाद यूपी, देन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो इनके सबके CM होंगे। और इसके अंदर ना कुछ की थीम्स हैं, मेन पिलर्स हैं, तो ये डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। कौन कौन से हैं, तो वो 8 कौन कौन से हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर सर्फेस क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस एंड गंगाग्राम। तो अफॉरेस्टेशन एक से एक चीज़ याद आ रही मेरे को ना, देर मे बी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, लाइक अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी कम, बिकॉज आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, यू विल नॉट फाउंड इन द लाइक योर रेगुलर बुक्स एंड ऑल, राइट। थर्ड थिंग इज दैट, इससे पहले आई थिंक ऊपर एक टॉपिक रह गया है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ग्रीन क्रेडिट स्कीम। तो ग्रीन क्रेडिट स्कीम इसलिए न्यूज़ में रही है क्योंकि ना गवर्नमेंट ने अभी एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, उसने अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रेडिट स्कीम का। तो इसका फीचर्स क्या क्या है, तो इन्होंने क्या बोला है कि फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज ए कमोडिटी। तो फॉरेस्ट को हम क्या करेंगे, एज ए कमोडिटी ट्रेड करेंगे। एंड इन्होंने बोला हुआ है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स वन ऑफ द इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिफॉरेस्टेशन टू द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज। तो यानी कि जो NGOs होंगे उनसे ये अपनी आउटसोर्स कर सकते हैं सर्विसेज। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है, द स्कीम अलाउ एजेंसी, दे कुड बी प्राइवेट कंपनीज, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज, टू आइडेंटिफाई लैंड एंड बिगिन ग्रोइंग प्लांटेशंस, राइट। एंड आफ्टर 3 ईयर्स दे वुड बी एलिजिबल टू बी कंसिडर एज ए कंपनसेटरी जो फॉरेस्टेशन लैंड है, इफ़ दे मीट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्राइटेरिया। तो आफ्टर 3 ईयर्स, राइट, एंड एन इंडस्ट्री नीडिंग फॉरेस्ट लैंड कुड देन अप्रोच द एजेंसी एंड पे इट्स for parcel of such forested land, and this would be then transferred to the forest department and record as a forest land, right? And the participatory agency will be free to trade its assets, that is plantation, in parcels with the project's proponent who need the forest land, right? अब प्रेजेंट सिनेरियो इसमें क्या क्या है, द करेंट सिस्टम इंडस्ट्री नीड टू मेक गुड्स नीड टू मेक गुड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट्री बाइंडिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ नॉन फॉरेस्ट लैंड, एंड इट मस्ट पे द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड करंट इकोनॉमिक इक्विवेलेंट कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है ना, कि उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू कितनी, इन्वायरमेंट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, कितना ये ऑक्सीजन वगैरह जनरेट करिए, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कितना ये टूरिज्म को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो दैट इज ऑल द फैक्टर्स हैज बीन काउंटेड इन दिस। एंड इट इज़ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो अप्रोप्रिएट वेजिटेशन दैट ओवर द टाइम वुड ग्रो इन टू द फॉरेस्ट। एंड बैकग्राउंड क्या था, देर इज़ नो फर्स्ट टाइम दैट सच स्कीम हैज़ बीन मूटेड। एंड इन 2015 ग्रीन क्रेडिट स्कीम फॉर द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन वॉज रिकमेंडेड, बट इट वॉज नॉट अप्रूव बाई द यूनियन गवर्नमेंट एंड इट इज़ द फाइनल अथॉरिटी, राइट। एंड बेनिफिट क्या होगा, ऑफकोर्स इट एनकरेज द प्लांटेशन बाई द इंडिविजुअल आउटसाइड द ट्रेडिशनल, राइट। तो आपको पता आ गया ना ये वाई इट इज न्यूज, इट इज़ अप्रूव्ड बाय द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, राइट। अब नमामि गंगे प्रोग्राम का डिस्कस हो ही चुका है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल फॉर द एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने डिसाइड किया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल SDC हैज़ इस्टेब्लिश्ड। द ऑब्जेक्टिव क्या है,
देखो कोल के इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबिलिटी चीज़ हो रही है कि ना, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिगिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। द टू प्रमोट इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कोल माइनिंग इन द कंट्री एंड एड्रेस इन्वायरमेंटल कंसर्न ड्यूरिंग द डीकमिशनिंग और क्लोजर ऑफ माइंस। एंड रोल एंड फंक्शन क्या रहेगा, एडवाइज मेंटर प्लान एंड मोनिटर द मिटिगेशन मेजर टेकन बाय द कोल कंपनीज बाय मैक्सिमाइजेशन द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एक्ट एज ए नोडल मिनिस्ट्री ऑफ कोल लेवल इन दिस मैटर एंड फॉर्मुलेट द फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर दिस इंक्लूडिंग द माइन क्लोजर फंड्स। राइट, तो आप ये समझ सकते हो जब भी कोयल्स को एक बिगनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, उसके प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल वायबल तरीके से उसको क्लोज डाउन करना भी इसका एक प्रॉपर रहेगा। जल जीवन मिशंस, यू नो ऑल कि जल ही जीवन है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, जल जीवन मिशंस। तो इनका मेन पर्पस क्या रहेगा, पाइप वाटर सप्लाई इन द ऑल रूरल हाउस होल्ड 2024 तक एंड विल कवर द विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड डिमांड सप्लाई साइड मैनेजमेंट और वाटर एट द लोकल लेवल। देखो सप्लाईज एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई साइड बहुत साइड मैनेजमेंट होगा एंड क्रिएशन ऑफ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ हाउस एंड वेस्ट वाटर टू यूज इन द एग्रीकल्चर। राइट, जल जीवन आपको इसलिए बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इस बार UPSC मेंस में आपका जो इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी पेपर थे उसमें पैराग्राफ भी इस जल से रिलेटेड ही था, तो होप कि द क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम्स। राजस्थान गवर्नमेंट हैज सॉट चेंज इन द नॉर्म्स ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस फॉर द जल जीवन मिशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट। एट प्रेजेंट द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज 90-10 इन हिमालयन एंड 100 इन यूटी एंड 50-50 इन सेंट्रल स्टेट। अब द मिशन इज अनाउंस इन द अगस्त 2019, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड पाइप वाटर सप्लाई एज आई टोल्ड इन दिस डायग्राम एंड द की फीचर इज टू क्रिएट अ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, द सेम थिंग हैज बीन डिस्कस इन द दिस डायग्राम एंड इट सेटिस्फाई योर नीड ऑफ द एग्जाम्स। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी। तो नेशनल वाटर पॉलिसी, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हमारी कोई पॉलिसी पहले भी थी या और हमने ड्राफ्ट किए क्या किया। तो अभी गवर्नमेंट कैबिनेट और कैबिनेट वगैरह मिलकर के क्या कर रहे हैं, अभी ड्राफ्ट कर रहे हैं 2020 के लिए। तो इससे पहले हम जो पॉलिसी फॉलो करते आ रहे हैं वो 2012 की है। तो लेट डिस्कस अबाउट 2012 पॉलिसी। द करंटली इन टू फोर्स वॉज ड्राफ्टेड इन करंटली इन फोर्स वॉज ड्राफ्टेड इन 2012 एंड इज द थर्ड सच पॉलिसी सिंस 1987। हम 1987 से इसको बोल रहे हैं। अमंग द मेजर पॉलिसी इनोवेशन, द पॉलिसी वॉज कंसेप्ट ऑन ए इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट अप्रोच दैट रिवर बेसिन एंड सब बेसिन एज ए यूनिट ऑफ फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब मिनिमम लेवल की ये बात करते हैं, इट ऑल्सो प्रपोज दैट द पोर्शन ऑफ रिवर ओ टू बी कैप्ट असाइड टू मीट इकोलॉजिकल नीड सच एज अप्रोच लीड टू द एंगेजमेंट एंड रिक्वायरिंग द मिनिमम लेवल ऑफ वाटर टू बी मेंटेन इन द थ्रू आउट द ईयर। The policy also stress for the minimum quantity of potable water essential health and hygiene on all the citizens be made available within an easy reach on household. And the second is that the inter-basin transfer of water should be considered on the basis of merit of each case-to-case basis by evaluating the environmental, economic and socio impact. Right. द सेकेंड टॉपिक इज ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। देखो ग्रीन वॉल क्या होता है ना, कि हम एक कोई ट्री की दीवार बनाएंगे जहाँ पे 5-6 किलोमीटर का पैचेज होगा और 1000-1200 किलोमीटर की लेंथ होगी। तो ये हमने कंसेप्ट लिया है अफ्रीका से। राइट, तो अभी हमारा पर्पज़ क्या है, आपको पता होगा कि अरावली रेंज है, अरावली रेंज के वेस्टर्न में हमारा राजस्थान का डेजर्ट एरिया है और वो उसकी जो साइड से डेजर्टिफिकेशन है तो वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए और वहाँ से जो विंड्स आ रही हैं, ब्लोइंग कर रही हैं, उनको रोकने के इम्पैक्ट को रोकने के लिए वो किया जा रहा है। तो हम थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें देख लेते हैं एंड रफली काउंटर्स फॉर पर्पस ऑफ 1400 किलोमीटर्स। तो फॉरेस्ट वेल्ट लाइक टू बी रन फ्रॉम पोरबंदर यानी पी स्क्वायर आप कह सकते हैं, पानीपत टू पोरबंदर और पोरबंदर टू पानीपत, कवरिंग एंटायर अरावली रेंज एंड बियॉन्ड। ग्रीन वॉल विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर द डस्ट फ्रॉम द वेस्ट एंड चेक ईस्टवर्ड एंड इट विल चेक द डेजर्टिफिकेशन रिस्टोरिंग द डिग्रेडेड लैंड एज आई टोल्ड यू, प्रोजेक्ट येट टू गेट फॉर्मल नोट। राइट, अभी ये गेट फाइनल नहीं हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ, बट इट हैव टू बी गेट। And the center is mulling in the ambitious plan to create a green wall in the northwestern. And as I told in the 1400 and on the line of Great Green Wall. Great Green Wall is concept from the Africa. And it is like from Dakar to Djibouti. So aap isme Africa mein D square, India mein P square. So P D square, right? Aise kuch concept karke yaad rakh lijiye.
And the legacy of program in India efforts to deal with the land degradation and eastward march of the Thar deserts. And India's sixth national priority under the goal of restore 26 million hectare degraded land by 2030. That is things. अब बात आते थे ग्रीन इंडिया मिशंस. ग्रीन इंडिया मिशंस राइट. तो इट इज़ वन ऑफ द एट मिशन लॉन्च बाय द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. यू मस्ट हैव रिमेंबर ऑल द एट प्लान्स मेंशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. इट वॉज लॉन्च इन 2008 राइट. देन द ग्रीन इंडिया मिशंस लॉन्च इन फरवरी 2014. इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड responding to the climate change by combination of adaptation and mitigations. Adaptation and mitigations, you must remember the definition. Might be this question also come in your prelims. What is adaptation? What is mitigations? And objective of this missions to protect, restore and enhance the Indian falling forest cover, to respond to the climate change through the combination of adaptation as well as mitigations, to increase the forest based livelihood income, right? एंड टू एनहेंस द एनुअल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. तो ऑब्जेक्टिव पता लग गया, एक तो पैसा देना, इनकम इकोनॉमी बढ़ानी है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी पोल्यूशन को कम करके रखना है, एंड प्रोटेक्ट रिस्टोर करना है और रिस्पॉन्ड द क्लाइमेट चेंज. ठीक है ना. अब इसमें हाँ, आप ये टारगेट याद रख लीजिए 50-60 मिलियन टन बाय इन द टू ईयर. अब इसमें गोल क्या क्या दिए गए हैं, देखो देखो, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉरेस्ट इंक्लूडिंग द मॉडरेटली डेंस ओपन एंड डिग्रेडेड ग्रास लैंड वेटलैंड 5 मिलियन हेक्टेयर. इको रिस्टोरेशन एफोरेस्टेशन ऑफ स्कर्ब शिफ्टिंग कल्टिवेशन ओल्ड कोल डेजर्ट्स मैनग्रोव रिवर एंड अबंडेंट माइनिंग एरियाज 1.8 मिलियन हेक्टेयर. इंप्रूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन अर्बन एंड पैरी अर्बन एरियाज. पैरी अर्बन एरियाज होता है जो एक पेरिफेरियल एरियाज होता है साउथ के, यानी कि इंप्रूवमेंट इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट and adaptation of improved fuel woods use efficiency and alternative energies and diversification of forest based livelihood about 3 million household living in or around the forest right. The next topic is around Kerala bans on the CFL and filament bulbs from the movement 2020. Kerala bans the CFL and filament bulbs. ठीक है ना. अब आपको पता है जो बल्ब से उनके अंदर क्या क्या आपको मिलता था. तो केरला विल इम्पोज ऑन द बैन ऑफ एंड इनकंडेसेंट और फिलामेंट बल्ब स्टार्टिंग नवंबर दिस ईयर एंड एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी. तो ये सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी के अंदर बोला हुआ है. एंड द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फिलामेंट फ्री केरला एनवेसेज इन 2018 एज अ पार्ट ऑफ स्टेट ऊर्जा केरला मिशंस. तो क्या होता है ना, जब फिलामेंट वाले आपको पता होंगे, जो पहले बल्ब आते थे 100 वाट के, ये लोएस्ट कलर के, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते. आज के टाइम पे आप देखो 12-12 वाट के, 12 और 10 वाट, 8 वाट राइट. द की डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड सीएफएल. The major difference between CFL and LED is that CFL is the emission of light is because of the ionization of mercury vapor. And the mercury vapor when ionized produce ultraviolet rays, and this rays when collide with the phosphorus coating tubes generate a visible light. तो आपको पता लगना है कि mercury rays और आयनाइज होएगी, उससे एनर्जी जो रिलीज होगी फॉस्फोरस के ऊपर इंट्रैक्ट करके लाइट जनरेट करती हैं. वेयर इज एलईडी, इट इज बिकॉज ऑफ पीएन जंक्शन नोड एंड व्हेन द फॉरवर्ड करंट अप्लाइज अक्रॉस द डायोड रिकॉम्बिनेशन ऑफ दिस चार्ज कैरियर टेक प्लेस एंड दिस चार्ज कैरी गिव द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. तो यहाँ पर तो डायोड कंसेप्ट लगता है और वहाँ पर आपका लगता है आयनाइजेशन का कंसेप्ट. एंड रेशनल बिहाइंड द मैन सेफल यूज मर्करी वेपर विच इज डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट. सेकंड थिंग आल्सो रिक्वायर द एडिशनल कंपोनेंट लाइक ब्लास्ट टंगस्टन ट्यूब कोटेड एंड ऑल. अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज ईजियर देन द सीएफएल बिकॉज एंड द सेकंड इज ब्राइटनेस ऑफ एलईडी इज मोर कंपेयर टू द सीएफएल एंड एलईडी एमिट्स लाइट ओनली ऑन द वन डायरेक्शन राइट. एंड व्हाई एलईडी, एलईडी इज बेटर देन सीएफएल एंड एलईडी सेव अप टू 80% ऑफ इलेक्ट्रिक बिल थ्रू द कॉस्ट एंड इट इज रिसाइकलेबल and their brightness remains same every even after using it's a long for time right. आपने देखा होगा आजकल जो CFL की ट्यूब्स आती हैं उनके अंदर brightness धीरे धीरे कम होने लगती है. अब बात आती है protected special agriculture zone. This is very one of the most important, like Tamil Nadu same declare the Kaveri Delta, Kaveri Delta as a protected special agriculture zone as a law in this regard will be enacted soon. And it will include like Thanjavur, Tiruvallur, Nagapattinam district of Delta region and Tiruchi, Ayyavur, Kudadolur or Pudukottai. Ab significance kya honge? It is aimed at protecting the Kaveri Delta region from the future fulfilling of Tamil Nadu food requirements
and it has recognized as a farmer concern about the hydrocarbon exploration and according to the primacy to the food security. तो आपको पता है जितने भी डेल्टा रीजन होते हैं आपके, देर इज ए गुड सोर्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सो अभी यदि हम पेट्रोलियम करेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए दिक्कत आ जाती है उसी की चीज़ पे. एंड जलयुक्त शिविर अगेन वॉट इज वेरी क्यूरियस डियर्स. एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज स्क्रैप द जलयुक्त शिविर द फ्लैगशिप वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में क्या है, इसमें क्या क्या ना, इट वॉज लॉन्च इन 2014 एक्सपीरियंस द कंजिक्यूटिव ड्रॉट. लाइक आपको पता होगा विदर्भ का जो ड्रॉट हुआ था, फार्मर सुसाइड्स, एम्ड एट रोलिंग आउट द मेजर्स दैट कुड पोटेंशियली मिटिगेट वाटर स्कैरसिटी इन द मोस्ट ड्रॉट प्रोन एरिया सिस्मेटिक मैनर. द प्रोजेक्ट टारगेट स्ट्रेंथनिंग द एंड स्ट्रीमलाइनिंग द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज लाइक केनाल बॉन्ड्स पॉन्ड्स एंड अरेस्टिंग द मैक्सिमम रन ऑफ रेन वाटर. एंड नेसेसिटीज आपको पता ही लग गई है. बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमेंबर टेल यू दैट कि ना आपको ये टारगेट्स थोड़े से याद कर लेने चाहिए. इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान, तो इसमें इन्होंने बात की गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लुकिंग फॉर रिडक्शन ऑफ कूलिंग डिमांड अक्रॉस द ऑल सेक्टर्स. अक्रॉस ऑल सेक्टर्स मतलब आप समझ रहे हैं 20-25% रिडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट. जो आपका रेफ्रिजरेंट डिमांड होती है वो 25-30% है. रिडक्शन ऑफ द कूलिंग एनर्जी, कूलिंग एनर्जी इस 25-40% है. और ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन सर्विंग सेक्टर टेक्निकली भाई जो सर्विंग सेक्टर के लिए हैं उन 1,00,000% एम्प्लॉयमेंट एक तरीके से उनको बंदे तैयार करने हैं. तो ऑल सभी सेक्टर में जो रिडक्शन करने हैं 20-25% है. रेफ्रिजरेंट की डिमांड को 25-30% कम करना है और एनर्जी की जो डिमांड है वो 25-40% रिड्यूस करनी है. अब बात करते हैं इसकी, इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान हैज़ रिसीव्ड अप्रिसिएशन फ्रॉम द UN ऑन द वर्ल्ड ओजोन डे. तो अब सिग्निफिकेंस है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप सच डॉक्यूमेंट्स. एंड जो मैंने गोल्स बताए थे वो गोल्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं. और बट एक ईयर वाइज आप याद रख सकते हैं, रिडक्शन कूलिंग डिमांड जो थी बाई 20-25% इन ऑयल सेक्टर्स बाई 2037-38 एंड रिडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट बाई 25-30% बाई द 2037-38 एंड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ 1,00,000 सर्विस सेक्टर टेक्नीशियन बाय 2022-23 यानी कि 2022-23 तक, राइट, अंडर द स्किल इंडिया मिशन. रिकॉग्नाइजिंग कूलिंग एज ए रिलेटेड एरिया, एज ट्रस्टेड एरिया, राइट. द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कूलिंग इज लाइक दैट असेसमेंट ऑफ कूलिंग रिक्वायरमेंट अक्रॉस द सेक्टर इन नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड एसोसिएटेड रेफ्रिजरेंट डिमांड एंड एनर्जी यूज. मैप द टेक्नोलॉजी अवेलेबल दैट कैटर द कूलिंग रिक्वायरमेंट including the passive intervention, refrigerant-based technology and alternative. Assess the intervention and focusing on skills and develop the R&D innovations, right? अब बात करते हैं फॉरेस्ट प्लस 2.0. देखो ये क्या है ना, USAID यानी कि US एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज लॉन्च प्लस 2.0. अब इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ना मैंने इकोनॉमी की भी बनाई हुई है, तो एक पोर्टल प्ले लिस्ट है इनसाइट के नाम से, तो आप उसमें आप चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी कुछ उसमें बेनिफिट मिल सकते हैं, राइट. तो नेक्स्ट फॉरेस्ट प्लस 2.0 ये क्या है, एक 5-year प्रोग्राम है US के द्वारा जो डिसाइड किया गया था 2018 में, दैट फोकस अपॉन द डेवलपिंग द टूल्स टेक्निक्स फॉर द क्लस्टर इकोनॉमिक इकोसिस्टम एंड हरेंसिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ द फॉरेस्ट लैंडस्केप. तो एंड सेकंड थिंग इज दैट इट कंप्राइज द पैलेज प्रोजेक्ट ऑफ 3 लैंडस्केप लाइक गया इन बिहार. देखो पहला आप स्टेट याद रखो, नीचे के दो हैं केरला तेलंगाना, ऊपर के एक है बिहार. तो गया इन बिहार, तिरुवनंतपुरम इन केरला एंड मेटक इन तेलंगाना. द चॉइस ऑफ दीज साइट्स वॉज ड्रिवन बाई द कॉन्ट्रास्ट इन देयर लैंडस्केप एंड बिहार इज द फॉरेस्ट डेफिसिट इन एरिया एंड डेवलपिंग. लाइक द टारगेट ऑफ दिस सेट इज लाइक 1.2 लाख हेक्टेयर ऑफ द लैंड हैव अंडर द इम्प्रूवमेंट एंड द इकोनॉमिक एक एक्टिविटीज $12 million एंड मेजरेबल बेनिफिट इज मोर देन 88 लाख हाउस लोन एंड दिस इज द लाइक राइट. बस आपको वही याद रखना, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैप, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैप. देखो इसमें क्या लिखा है, फॉर प्रिपेयरिंग द कम्युनिटी एंड पीपल टू मीट द चैलेंज अराइजिंग आउट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस पैन इंडिया क्लाइमेट एक मैप डिसाइड करना है. सच क्लाइमेट मैप has already been developed for the 12 states by the Indian Himalayan regions and using the common framework. तो ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले हम डिसाइड कर चुके हैं. द मैप इज बिंग डेवलप्ड बाय द DST डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एंड अंडर द दिस एंड द प्रोग्राम इज बिंग इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन फॉर ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर द क्लाइमेट चेंज, राइट.
आता है रेड प्लस हिमालय प्रोग्राम, द रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्टेशन डिग्रेडेशन। देखो जो एमिशन हो रहा है ना डिफोरेस्टेशन के थ्रू और जो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन उसकी वजह से, उसको हमें रिड्यूस करना है। तो एक है रेड, एक है रेड प्लस स्ट्रैटेजी। तो हम सीधा पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ना, राइट। तो रेड प्लस प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाई UN 2005 टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज थ्रू द एनहेंस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इट एम टू क्रिएट इंसेंटिव फॉर द कम्युनिटी सो दैट दे स्टॉप द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, राइट। एंड मोर देन 300 रेड प्लस इनिशिएटिव हैव बीन टेकन सिंस 2006। द मैकेनिज्म हैज बीन एनशायर्ड इन द पेरिस एग्रीमेंट ऑल्सो। अब बात करते हैं रिडक्शन एमिशन एंड फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन प्रोग्राम बींग कैरिड आउट इन द हिमालय स्टेट जॉइंटली बाय द ICFRE यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड द ICIMOD, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट एंड एक्सटेंडेड टिल 2020। एंड द प्रोग्राम वॉज लॉन्च 2016 टू एड्रेस द डिफोरेस्टेशन इश्यूज, राइट। अब बात करते हैं अबाउट रेड। रेड प्लस क्या है? इससे पहले हम देखते हैं रेड प्लस स्ट्रैटेजी। इट इज़ कंप्लाइंग विद द UNFCCC डिसीजंस ऑन रेड प्लस। इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड नेशनल रेड प्लस स्ट्रैटेजी। द स्ट्रैटेजी जो है ये बिल्ड की गई है अपॉन एग्जिस्टिंग नेशनल सर्कमस्टांसिस विच हैव बीन अपडेटेड इन द लाइन विद इंडियन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ग्रीन इंडियन मिशन एंड इंडियन नेशनली डिटरमाइंड INDC ऑफ UNFCCC। तो आप देख सकते हैं INDC भी हो गया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी हो गया और इंडियन ग्रीन मिशन भी हो गया जो अभी हम डिस्कस किया था हम लोगों ने। द स्ट्रैटेजी रिपोर्टेड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाई इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट्री रिसर्च देहरादून। तो आपको पता होना चाहिए ये किसने प्रिपेयर की गई थी, ICFR। तो अब बात करते हैं हम द UN रेड प्रोग्राम। रेड प्लस इज ए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन सोल्यूशन बींग डेवलप्ड बाई द पार्टीज ऑफ UNFCCC। तो आप ये याद रखना जो रेड प्लस है ना ये फॉरेस्ट के लिए जो यूज हो रहा है, तो इट इज़ नॉट दैट कि नहीं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो UNFCCC and it incentivizes the developing countries to keep their forest attending by offering the result based payment, right, result based payment and reduce the forest and or remove the forest carbon emissions. And the program assists the countries to develop their capacity need to meet the requirements so that they can qualify to receive the result based payment under this. And RED program supports nationally led by RED plus and promote the informal and meaningful environmental and stakeholder including the indigenous people and forest development communities, right. और इसके बारे में यही सब इन्होंने दैट हैज दे मेंशन, देयर इज नो नीड टू फर्दर गो। देन देयर इज एन कैंपा। दो यू नो ऑल की फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो डिग्रेड करके कट करके उसका यूटिलाइज कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर फंड जनरेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें एंड कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन एंड कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी। लाइक द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया ऑर्डर द एस्टेब्लिशमेंट अफोरेस्टेशन फंड एंड अथॉरिटी इन 2001, बट इन 2006 एडहॉक कैंपा वॉज एस्टेब्लिश फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनसेटरी। बट ए कैंपा एक्ट टू कैंप कंपनसेट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द वेल डिफाइंड एक्ट and it established a national level authority under the public account of India, that is the fund, and state fund are the public account in each state, and these fund receive payment from the जो भी होंगे ये कहाँ से आएंगे, ऑफ कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए एंड अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट, राइट। नेशनल नेशनल फंड विल रिसीव 10% ऑफ दिस फंड एंड स्टेट विल रिसीव 90%। तो अकॉर्डिंग टू द एक्ट द प्रोविजन ऑफ ए कंपनी डाइवर्टिंग द फॉरेस्ट लैंड एंड यूज प्रोवाइड द अल्टरनेटिव लैंड एंड टू मेक द कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन। द एक्ट ऑल्सो सीक टू एस्टेब्लिश नेशनल एंड स्टेट कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी टू मैनेज द फंड। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन विच द फंड कैन बी यूटिलाइज विल बी फॉर द कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन compensatory afforestation, catchment area treatment, wildlife management assistance, regeneration, forest fire prevention, control, soil moisture conservation, improvement of wildlife habitat, management of biological diversity and resources, research in the forest. Like, the fund cannot be used to payment salary, traveling allowances of medical expenses. Right. That's next thing is environmental impact assessment. Then I don't think so, there is a need to discuss about this topic.
And the second is national policy on biofuel. Everyone knows that 2018 is very important, and they categorized biofuels in three generations. First generation like biomedical, and second generation and third generation. So first generation is basic fuel, second generation advanced fuel, and that third generation is the extension of second generation. The national fuel approved by the government of India envisages an indicative target 20% blending of ethanol in petrol and 5% biodiesel in diesel, right? So by the 2030, so ye target hai 2030 tak ka. And scope of raw material kya hai inhone bola hai, the policy expand the scope of raw material for the ethanol productions by allowing use of sugar cane juice, sugar cane containing material like sugar beets, sweet sorghums, starch containing materials like corns, cassava, damaged food, rotten potatoes, unfit for human consumption, and protection to the farmer. Farmers are at risk not getting appropriate price so that they can now use their land or resources. Viability gap funding. With the thrust to advance biofuel policy indicate viability gap funding for the 2G or second generation ethanol by refineries 5,000 crore in 6 years, right? And additional tax incentives, right? And expected benefit can import deficiency in the fuels, cleaner environment, healthy benefits, improvement generation, and this is like that. The आपको ये चीज़ discuss हो चुकी है. अब next topic is हम discuss करते हैं emission trading scheme. Emissions trading scheme. तो गुजरात का आपका एक पहला स्टेट बना है जिसमें इन्होंने emission trading scheme के बारे में बात करते हैं. तो ये क्या है, गुजरात has launched the Indian first program to combat the particular air pollution that emission trading schemes on the World Environment Day, which has a pollution and its name. The key feature of this, it has market-based system where the government set can up on the emission and allow it. आप एक तरीके से समझो, एक इंडस्ट्री है, उसको कहा गया है कि आप 100 ग्राम एमिशन कर सकते हो, बट बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड एफिशिएंसी मेथड ही के एमिट ओनली 40 ग्राम एमिशंस, दो ही लेफ्ट 60 ग्राम एमिशंस. सो 60 ग्राम जो एमिशंस है, ही कैन मेक अ सर्टिफिकेट्स और बॉन्ड्स और लाइक एनी डॉक्यूमेंट्स, एंड ऑन दैट बेसिस ही कैन सेल दीज सर्टिफिकेट और ट्रेडिंग स्कीम्स टू द अदर इंडस्ट्रियलिस्ट और अदर बिजनेसमैन हु जिन्होंने 100 ग्राम से ज़्यादा प्रोड्यूस किया होगा. तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो. एंड अब ये आपको पता ही है क्या बेनिफिट आपको देगा. एंड द सेकेंड इज दैट द फॉरेन लैंडस्केप रिस्टोरेशन FLR एंड बॉन्ड चैलेंजेस. तो बॉन्ड चैलेंज आपको पता ही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द सेंटर हैज लॉन्च ए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टू एनहेंसिंग द कैपेसिटी ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन एंड बॉन्ड चैलेंजेस थ्रू ए पायलट बेस ऑफ 3.5 ईयर इंप्लीमेंटिंग स्टेट ऑफ हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड कर्नाटका. एंड UNFCCC COP 2015 in Paris, India has also joined a voluntary bond challenge pledge to bring into the restoration of 30 million hectare degradation like by the year 2020 and more 8 million hectare by 2030. And India is the largest place in the Asia. And what is bond challenge? What is FLR? It is a global effort to bring 150 million hectare करना है 2020 तक और 350 करना है 2030 तक. And it was targeted launch at high level event at the Bonn in 2011, organized by the government of Germany and IUCN, and was later endorsed the extension to 2030 by the New York Declaration of Forest in 2014 UN summit. And it is implementation of vehicle for the national priorities such as water and food security and rural development, and that is something. It is based on the forest land. What is forest land? It is an ongoing process of regaining ecological functionality and enhance the human well-being across the deforested or degraded forest landscape. And it is more just in planting, it is restoring the whole landscape. यहाँ पे केवल आपको tree नहीं लगाने हैं. You do not only need to grow trees, you need to grow trees as well as the culture that has been existing there in the past and develop high level of sustainability concept, right? Then one topic is cover. Now next move to the animal wildlife protections. तो अब बात करते हैं, देखो ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है. होप सो कि कुछ वीडियो आई थिंक ये लंबी हो जाएगी, बट कोई नहीं, लेट्स हैव एनिमल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस. द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड सेंटर टू इंट्रोड्यूस
द अफ्रीकन चीटा टू द सुटेबल हैबिटेट ऑफ इंडिया। तो आप पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी अफ्रीकन चीता है यहाँ इंडिया में आपको लाना है। विद द इंडियन ऑन चीता वेनिशिंग, द प्ली ऑफ दिस हैड बीन फाइल्ड बाय द नेशनल NTCA सीकिंग परमिशन टू इंट्रोड्यूस अफ्रीका चीता फ्रॉम द नामीबिया। एंड द मैटर केम अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ शिफ्टिंग फ्यू लायंस फ्रॉम द गुजरात टू कुनोपलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश, विच वॉज ऑल्सो वन ऑफ द साइट्स आइडेंटिफाइड रिलेजिंग चीताज। वट इज री इंट्रोडक्शन और वाई री इंट्रोड्यूस चीता नाउ? देखो री इंट्रोडक्शन क्या होता है, स्पीसीज रिलीजिंग इट इन एन एरिया वेर इट इज कैपेबल टू सर्वाइविंग। एंड री इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्निवोरस हैव लार्जली इंक्रीजिंग बीन रिकोगनाइज एज ए स्ट्रैटेजी फॉर टू कंजर्व थ्रेटन स्पीज एंड रिस्टोर द इको सिस्टम फंक्शन। द चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोरस हैज बीन एक्सट्रिपिटेटेड एंड मेनली बाय द ओवर हंटिंग एंड हिस्टोरिकल टाइम्स। पहले आप देखते होंगे कि चीता को मारना, टाइगर को मारना, इन सबको ना एक अपना प्राउड प्राइड फील होता था कि हमने इसको किल्ड किया है। मूवीज़ में भी, पुरानी मूवीज़ में ये सब दिखाते थे, बट अब नहीं दिखाते बिकॉज ये एक एनकरेज करता है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी था। एंड द चीता इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज एंसेस्टर दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक मोर देन 5 मिलियन एंड द मायोसिन इरा। एंड इसका स्पीसीज का जेनेटिकल नाम है एसाइनोसिक्स जुबाटस। द चीता इज ऑल्सो वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड इट इज इन वल्नरेबल एंड द कंट्री लास्ट स्पॉटेड फिलाइन डाइड छत्तीसगढ़ इन 1947 एंड लेटर इट वॉज डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन द इंडिया। द एशियाटिक चीता इज क्लासिफाइड एज ए क्रिटिकल स्पीसीज अंडर IUCN एंड बिलीव टू सर्वाइव ओनली इन ईरान। एंड रीजन ऑफ देखो एक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ है, क्लाइमेट चेंज है और हैबिटाट है, रिसोर्सेज है, फूड है, राइट। अबाउट NTCA, अभी NTCA स्ट्रेटेजिक बॉडी है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड इट इज़ बीन फुलफिलिंग द मैंडेट विद इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड एक्सटेंडिंग द टाइगर कंजर्वेशन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द अप्रेजल ऑफ टाइगर स्टेटस। ऑन गोइंग कंजर्वेशन इनिशिएटिव हैव बीन टेकन केयर ऑफ एंड इट इज़ हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट जो उनके अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, राइट। द अथॉरिटी विल हैव टू एक्सपेक्ट द प्रोफेशनल हैविंग द क्वालिफिकेशन फ्रॉम द कंसर्न फील्ड एंड The function is to ensuring the normative standard of tiger, preparation of tiger conservation plan, lay down the annual and audit reports, instituting the state level steering committee and approving the declaring the new tiger reserves. जो भी हैं वो इसी के अंदर आते हैं, NTCA के अंदर। And Project Tiger, you know all, it was launched in 1973 by the Ministry of Forest, Environment and Forest and Climate Change, providing the funding support to tiger range state for the conservation. Right. Second is that first of its kind turtle rehabilitation centers come up in Bihar. तो कुछ टर्टल को रिहैबिलिटेशन के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ पर किया गया है, बिहार में के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन January 2020। द नीड ऑफ क्रिएट वॉज फेल्ट आफ्टर द सर्वाइवल और सेवरल टर्टल्स वो फाउंड सिवियरली वॉन्डेड एंड सिक, राइट। भीतर कनिका सेंसस ऑन द साल्ट वाटर क्रोकोटाइल। तो आपको पता होना चाहिए क्रोकोटाइल्स कितने तरीके की कैटेगरी है, तीन है, माग है, राइट, मुगर है और फ्रेश वाटर, राइट। तो अभी इसमें आएगा द बिटर कनिका सेंसस फाइंड इंक्रीजिंग 15 साल्ट वाटर क्रोकोटाइल फ्रॉम द लास्ट ईयर। देर आर नाउ देर इज नो नीयर टू नवंबर देर आर 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोटाइल, साल्ट वाटर, मुगर और घरियाल, राइट। द मुगर क्या है, इट इज क्रोकोटाइल ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन क्रोकोटाइल ऑफ मार्स क्रोकोटाइल इज फाउंड थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इट इज इन जब सभी जगह पाया जाता है तो वल्नरेबल होगा और फ्रेश वाटर होगा। घरियाल क्या है, घरियाल इट इज़ ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फिश ईटिंग है, लंबी जिसकी चोच होती है ना जो स्टिक होता है लंबी होता है एंड स्मॉल रिलीज पॉपुलेशन एट आर प्रेजेंट एंड इंक्रीजिंग इन रिवर ऑफ द नेशनल चंबलवेरी, कतरनी घाट, सोन रिवर एंड महानदी सतकोशिया जो सेंचुरी ऑफ रीड्स है। एंड सॉल्ट वाटर तो आपको पता समझ में आया गया है एंड इट इज़ लिस्ट कंसर्न है, जब सॉल्ट वाटर है तो आपको पता ही है कि सब जगह सर्वाइव कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपको पता होना चाहिए ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इट इज़ बेसिकली फाउंड इन डेजर्ट एरिया लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड अपेंडिक्स वन ऑफ द CMS और CMS को आई थिंक कहते हैं वाशिंगटन कंसेंसस, राइट। तो लेट मी चेक, आई विल चेक इन इसको वॉशिंगटन कंसेंसस कहते हैं और समथिंग एल्स, राइट। द प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान आइडेंटिफाइंग फेसिंग द ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड इन एग्जिस्टिंग द प्रोटेक्टिंग एरिया एंड प्रोटेक्टिंग एरिया कौन कौन से, इसके डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान, रोलापाडू इन आंध्रा एंड केरला सेंचुरी और मध्य प्रदेश, राइट।
Project Dolphin, you know, or Dolphin. The government is planning to launch Project Dolphin along with the line of Project Tiger to enhance the population of dolphin. And dolphin is under Schedule 1 of the and Appendix 1 of the Convention of Integrated like sites. But you have to remember the dolphin in the CMS, it is in Appendix 2 and it is in endangered in IUCN list. तो आप एक इसका शॉर्ट नोट बना लेना क्योंकि डॉल्फिन ज़्यादातर हर एक दूसरे साल बेस गेयर पर क्वेश्चन पूछा गया है. एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज ओनली लिविंग इन द फ्रेश वाटर एंड आर इन ब्लाइंड एंड कैच देयर प्रे इन यूनिक मैनर यूजिंग अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, राइट? एंड दे आर इन ब्लाइंड, राइट? एंड दे आर फाउंड इन द असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल. तो ये भी चीज़ हो गई. And they are river dolphin are officially discovered in 1801 and are one of the oldest creature of the world along with the some species of turtle, crocodile, right? They once lived in the Ganga, Brahmaputra, Meghna and currently Sung river in Nepal. India, Bangladesh are now mostly extinct from many of this early distribution of rain. Today, there is no need to remember all such things. You just what I remember, just the second is setting up conservation action plan of gangetic dolphin, which has identified threats to the gangetic dolphin impact and trafficking of irrigations and canals, and including the Schedule 1, which may have the highest degree of protection among this and dolphin wildlife habitat. You have to know this thing. Ab hota hai next. हुबरा बस्टर्ड, हुबरा बस्टर्ड, जैसे हमने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोला था, ऐसे ही बात करते हैं हुबरा बस्टर्ड. तो पाकिस्तान हैज़ इश्यूड स्पेशल परमिट टू द कतार, अमीर ऑफ कतार एंड 9 अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली टू हंट हुबरा. अब सोचो मतलब कितनी ये एक इनइक्वलिटी है कि आप बड़ी फैमिली के लोगों को परमिट कर दे रहे हो और ये एक बता देता है कि मैंटेलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशंस. अब इन्होंने बोला क्या है, जो हुबरा है, इट इज़ the Hubra bustard which live in the arid climates come in two distinct species recognized by IUCN. One is North African and the other is Asian. The first thing that the population of Asian Hubra bustard extend from the Northeast Asia across Central Asia, Middle East and Arabian Peninsula and to reach the Sinai deserts. After breeding this spring, Asian bustard migrate to the south to suspend winded and Pakistan Arabian like this. एंड बात करते हैं सुमात्रा रियानो. आपको पता होना चाहिए सुमात्रा रियानो, एशियन रियानो और लेट मी डिस्कस ऑन इधर. सुमात्रा रियानो राव एक्सटेंट इन मलेशिया. तो मलेशिया के अंदर तो एक्सटेंट हो जाए. देर आर नाउ 80 सुमात्रा रियानो लेफ्ट इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ देम इंडोनेशियन, स्पेशली द आइलैंड ऑफ सुमात्रा एंड इंडोनेशियन पार्ट ऑफ बोर्नियो. केवल 80 हैं, वो भी सुमात्रा है तो सुमात्रा में मिल रहे हैं इस टाइम पे ना, और सुमात्रा पार्ट है इंडोनेशिया का. And the Sumatran Rhino is the smallest in the 5 Rhino in the world and other species including white Rhino, black Rhino and great one on Rhino and the Javan Rhinos. And Indian subcontinent in 19th century, the Sumatran Rhino occur in the part of Assam, Nagaland, Manipur, Tripura and other states. Assam roof turtles. So, baat karte hain ab Assam roof, chhat wala roof. Multi-purpose Assam gamosa, a ubiquitous वाइट कॉटन टॉल हैज़ बीन असाइंड ए न्यू फंक्शन कंजर्वेशन ऑफ. तो एक ना गमोशा होता है, गमोशा क्या होता है, आसाम का एक टॉल टाइप का होता है. तो उसको उन्होंने बोला क्या है कि ना हैज़ बीन असाइंड एज ए न्यू फंक्शन टू कंजर्वेशन ऑफ रेन. अब बात क्या किया, इट इज़ एन एंडेंजर्ड स्मॉल फॉरेस्ट वाटर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1. अब बात करते हैं गुरु घसीदास नेशनल पार्क, गुरु घसीदास नेशनल पार्क, इट इज़ इन छत्तीसगढ़ एज ए फोर्थ टाइगर रिजर्व एंड करंट 3 टाइगर रिजर्व इन अचकुंगारा, उड़ंती और सितंदी एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व. तो आप इनकी एक तरह से लोकेशन चाहे तो देख सकते हो. जस्ट वेट, राइट? तो नेशनल पार्क फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ इन द साउथ ऑफ छत्तीसगढ़ इज इंद्रावती एंड कंगेरी घाटी एंड दैट इज इन संजिया, राइट? एंड बट आप यही याद रखिए इतना ज़्यादा कहाँ तक याद रख पाएंगे. इटावा लॉयन सफारी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश एंड इट इज़ 18 लॉयन इन द प्रमाइसिस. द पार्क इज ऑफिशियली कैटेगराइज एज मल्टीपल सफारी पार्क, एशियाटिक लॉयन ब्रीडिंग सेंटर एंड विजिटर्स फैसिलिटेशन सेंटर्स, राइट? अब बात करते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क की. वाई इट इज़ इन यूज, देर आर मैनी सो क्वेश्चन. इट इस्टेब्लिश इन 1974 एज ए टाइगर रिजर्व. देन नेशनल पार्क लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका, बांदीपुर.
And Bandipur is known as wildlife and has many types of biomes, but dry deciduous forest is dominant. Dry deciduous. And together with the adjoining Nagarhol National Park, Madhumalai or Mudumalai National Park, or Wayanad Wildlife Sanctuary is a part of Nilgiri Biosphere Reserve. So it is a part of Nilgiri Biosphere Reserve. तो थोड़ा सा आप इसमें देख सकते हैं, जस्ट वेट, ये आपका नेशनल हाईवे है और नागरहोल टाइगर रिजर्व्स आपको दिख रहा है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क आपको दिख रहा है, वेवनाड सेंचुरी दिख रही है और मुदुमलाई नेशनल पार्क दिख रहा है. तो राइट, तो आप थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए और देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ वेवनाड वाइल्ड सेंचुरी. अब आपको पता ही है वेवनाड कहाँ पर है. दो होम ऑफ टू द मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर प्रेजेंट इन द केरला, मैनी नॉट टू बी नोटिफाइड एज ए केरला रिजर्व एज ए टाइगर रिजर्व. ये अभी तक नोटिफाइड नहीं किया गया है. एंड अबाउट वाइल्ड लाइफ, वेवनाड वाइल्ड लाइफ इट इज लोकेटेड इन केरला, सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ इन द केरला. स्टेटस ऑफ टाइगर ऑफ इंडियन रिपोर्ट रिलीज लास्ट ईयर्स एंड द सेंचुरी इज नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर बाउंडेड बाई प्रोटेक्टेड एरिया. तो आपको पता होगा. अब बात करते हैं नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से, अभी ये मैप आई थिंक क्लियर तो नहीं है, बट चलो कोई नेक्स्ट आता है तो मैं आपके इस बारे में डिस्कस करता हूँ. पक्के टाइगर रिजर्व, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज वेयर इट इज़ लोकेटेड. पक्के टाइगर रिजर्व इट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश. तो स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड ए हाईवे ऑफ अराउंड 700 किलोमीटर थ्रू द पक्के टाइगर रिजर्व इन द ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. द हाईवे एम्स टू कनेक्ट द भीरब्बा कुंडा इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट टू एंड मनमाओ इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. राइट, तो पक्के टाइगर रिजर्व आप मैं अभी भी एक्सपायर थर्ड बाई साइड देख सकते हैं. एंड द की फैक्ट इज दैट इट इज टाइगर रिजर्व ऑल्सो नोज इज पखुई टाइगर रिजर्व, पक्के और पखुई. And it was won the Conservation of Threatened Species Biodiversity Award. Right, and for the Hornbill Nest Adaptation Program. And right, it was bounded by the Barel and Kameg River, Barel or Kameg River in the west and Pakke River in the east. So you can see Pakke River in the east and Barel in the west. And neighboring Papun Reserve Forest, Nameri. That is not, I don't think so, you have need everything, right? But the main perennial stream that area, Nameri, Khari, Upper Dikoria, West, right? And Emperor Penguins, ye kya hai? It is one of the Antarctic most iconic species. Emperor hai penguins. Penguins aapko pata hai, barfili areas mein milte hain. Aur, to Antarctic, no, Arctic. Antarctic, yani ki South Pole. Listed as near threatened. And under the IUCN, and experts have demanded IUCN status of special species should be changed into vulnerable, right? Not threatened, it is vulnerable. And the expert also advocated that emperor penguin should be listed by the Arctic Treaty as specially protected, right? अब बात आती है आपको स्नो लेपर्ड. स्नो लेपर्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, आपको स्नो एरिया में मिलेगा, वल्नरेबल ये रहेगा अंडर IUCN. अब बात करते हैं सीरियलॉजी सिस्टमेटिकली. फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल ऑफ इन्यूमरेटेड स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया लॉन्च ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डेज एंड एज इज डिस्कस्ड इट इज ए वल्नरेबल इंडियन हैबिटेट अल्पाइन्स एंड सब अल्पाइन जोन्स एंड स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल एंड नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ पाकिस्तान. हैबिटेट एक्सटेंड थ्रू द 12 कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, भूटान, चाइना. आप ये समझ सकते हो ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं उनके अंदर ही मिलता है. कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशियन, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान. बट देर इज नो तुर्कमेनिस्तान मेंशन हियर, राइट? एंड इट इज इन द अपेंडिक्स वन ऑफ द साइट्स. एंड चाइना कंटेन एज 60% ऑफ इट्स हैबिटेट और पॉपुलेशंस. एंड ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम इज एस्टेब्लिश इन 2013 बाय द 12 रेंज कंट्रीज एंड बिशेक डिक्लेरेशन इज अंडर दिस. एंड ग्लोबल स्नो लेपर्ड and ecosystem protection program, a joint initiative of the government and international agencies, right? बात आती है पेंगोलिन. इट इज़ इन वेरी मच इन न्यूज दिस ईयर और आई थिंक ये हॉट टॉपिक पर रहा है 2019 में. एंड पेंगोलिन कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेडली कोरोना वायरस इन चाइना.
It is responsible for the deadly coronavirus in China, scientists have been said after they found the genome sequence spread from the endangered mammals of 99% identical in the form of infected peoples. The pangolin, right? And it is only scaly mammals on the planet. It is only. And according to the conservation of sites, it is an almost illegally traded vertebrates within the class. And protection status kya hai? It is in China. Pangolin has been listed as a critically endangered under IUCN, and Indian pangolins has been listed as a endangered. So China ke andar to critical hai aur India ke andar endangered hai, and it is listed in the first category of protection act, right? Ab olive ridley turtles, iske bare mein kya bataya ja sakta hai? A vulnerable hai na. And preparation of almost done in the Rushikulya rookery of Odisha coast, welcomed as a protective olive ridley turtles. तो बस ये पूछ सकते हो रुशिकुलिया कहाँ पर है और किस पर्पस के लिए फेमस है और साइट्स के लिए. ऑपरेशन कच्छापा इज रिलेटेड टू दिस, लॉन्च बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फॉर द कोलेबरेशन विद द स्टेट ऑफ उड़ीसा, राइट. एक आता है पश्मीना प्रोडक्ट्स. पश्मीना प्रोडक्ट्स रिसीव द BIS सर्टिफिकेशन. आपको पता होना चाहिए पश्मीना कहाँ का है और किस पर्पस यूज होता है. तो ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का है इंडिजीनियस के ना, और एक गोट का ये इंडिजीनियस गोट के लिए, गोट का जो प्रोडक्ट होता है ना बाय प्रोडक्ट्स. तो ब्यूरो BIS हैज पब्लिश द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन मार्किंग पश्मीना प्रोडक्ट टू सर्टिफाई इट्स प्योरिटी एंड सिग्निफिकेंस. क्या है, कब द अडल्ट्रेशन होगा, इकोनॉमी इंप्रूव होगी, टेक्निकल होंगे, डिस्करेज द काउंटरफिट एंड मोटिव द यंगर जनरेशन टू डू दिस एक्टिविटी, राइट. अबाउट पश्मीना क्या है, देखो अबाउट चांगथंगी और पश्मीना, तो पश्मीना को कहते हैं, पश्मीना एक ना गोट होती है, इसलिए हम कहते हैं चांगथंगी. एंड दे आर रेज्ड फॉर द अल्ट्रा फाइन कैश वूल्स नोन एज पश्मीना. वंस वोवन दे गोट्स आर जनरली डोमेस्टिकेटेड एंड रेयर्ड बाय द नोमैडिक कम्युनिटीज कॉल्ड चंगपा. तो आप चंगपा चंगथपा आप याद रखें इन द लद्दाख रीजन. एंड अबाउट BIS आपको पता ही है बॉडी, इट इज नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर, राइट. एंड इट हैज बीन स्टेबल अंडर द एक्ट 1986. मिनिस्ट्री ऑफ दिस इज द चेयरमैन. एंड कंपोजिशन डोनेट इट्स वर्क अपॉन द WTO TBT टेक्निकल बैरियर ऑन ट्रेड, राइट. अब आता है तमिल योमन. एक क्या है ना, ये बटरफ्लाई है, एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट, हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट बटरफ्लाई ऑफ तमिलनाडु. तो आप याद रखिए तमिल योमन, राइट. अब बात करते हैं फर्स्ट टाइम तमिलनाडु हैज डिक्लेयर्ड इट्स बटरफ्लाई. महाराष्ट्र के लिए भी आया था ये क्वेश्चन इन द प्रीवियस एग्जाम्स लाइक 18 और 19 में. तो पूछ सकते हैं ये कहाँ पर है, कहाँ एंडेमिक है, और आप समझिए एंडेमिक एक्सटेंट, एंडेमिक, राइट, एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड देर इज अ डिफरेंस. एंडेमिक टू द रीजन्स और इंडेंजर्ड दैट इस पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग. हंगुल क्या है, देर इज अ मैसिव डिक्लाइन ऑफ दिस पॉपुलेशन, और इसे ही हम आपको डिफरेंट नेम से जानते हैं, रॉयल स्टैग, राइट. तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल भी है, दाचिंगम नेशनल पार्क के अंदर ये पाया जाता है. और हंगुल वाज वंस वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द माउंटेन ऑफ कश्मीर पार्ट्स ऑफ चंबर यानी कि हिमाचल प्रदेश. नाउ इट इज इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सॉरी, एंड लिस्टेड अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम. तो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर कुछ एनिमल्स मेंशन है, आप उनको भी देख लीजिए, दे आर इम्पोर्टेंट. अब बात आती है नेक्स्ट कप्पाचू अलवेराजी, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, कप्पाकस, राइट. इट इज एन इन्वेसिव स्पीसीज, स्मूथर एंड किल्स द कोरल रीफ. एंड आप इसका नाम दोबारा से याद समझ लीजिए, कप्पाकस अलवारेजी. एंड इट स्प्रेड इट्स विंग्स इन द कोरल ऑफ एरिया इन द वलाई आइलैंड ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार एंड इट्स इन्वेड द न्यू कोरल कॉलोनीज इन द मैराइन नेशनल पार्क. इट हैज़ ऑलरेडी इन्वेडेड शिंगले कुर्सुदाई एंड मुलई आइलैंड ऑफ मंडपम क्लस्टर्स ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार. द रेड एल्गी इन्वेडेड वलाई आइलैंड अलोंग किलकराई कोस्ट, राइट. रेगुलेशन 2015 गवर्नमेंट ऑर्डर हैज रेस्ट्रिक्टेड द कल्टिवेशन ऑफ एग्जेटिक सीवीड्स ओनली टू द सी वाटर्स एंड नॉर्दर्न पाक बे एंड साउथ टूटीकुड़ी कोस्ट, राइट. अब बात हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक भी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, राइट.
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इस बारे में हम अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब डिस्कस करते हैं। आई थिंक हमारे आज काफ़ी अच्छे टॉपिक कवर हो गए हैं, राइट। सो थैंक यू गाइस, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इकोनॉमी की वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुकी हैं, आप उन पर भी गो थ्रू कर लीजिए, और प्लीज़ हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आई होप कि मैं कुछ आपके लिए हेल्प कर पा रहा हूँगा, और रहेगा तो कुछ भी यदि डाउट रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।